हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी। ट्रेडिशनल रबड़ी बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और हमें कभी जल्दी बनानी हो या कभी कोई मेहमान घर पर आने वाले हो या हमारा ही कुछ मीठा खाने का मन हो, तो हम इस रबड़ी को बहुत जल्दी और फटाफट बना सकते हैं। चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने दो व्हाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनके मैंने कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। अब हम इनके टुकड़े करके मिक्सर जार में क्रम्स बनाने के लिए डाल देंगे। अब हम इनके क्रम्स बना लेंगे। देखिए हमारे क्रम्स बनके रेडी हैं। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क लेना है और एक उबाल आने तक छोड़ दें और इसे धीरे धीरे चलाते रहें। देखिए 5 से 10 मिनट में अच्छे से दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें ब्रेड के क्रम्स ऐड कर देंगे। इसे ब्रेड के क्रम्स ऐड करने से दूध जल्दी गाढ़ा होने लग जाता है। ट्रेडिशनल हलवाई तो दूध को ही गाढ़ा करके बनाते हैं, लेकिन हमको इंस्टेंट रबड़ी बना ली है इसलिए हमें ब्रेड के क्रम्स का यूज़ किया है। हमने केसर के 10 से 12 रेशे लिए हैं। इसमें हम खोला हुआ दूध डालकर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि केसर का रंग अच्छे से निकल आए। अब हम 1/4 कप लेंगे कंडेंस्ड मिल्क। इसमें मिल्क सॉलिड भी है और शुगर भी। इससे रबड़ी बहुत जल्दी गाढ़ी भी होगी और बहुत टेस्टी भी। अगर कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड किया है। शुगर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया था। अब मैंने इसमें सिनेमन पाउडर ऐड किया है, इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब मैंने इसमें जो केसर लिया था वो डाल दिया। इससे इस रबड़ी में बहुत अच्छा कलर आएगा, दिखने में भी अच्छी लगेगी और टेस्ट भी अच्छा। इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम में पकाएंगे। देखिए रबड़ी कितनी गाढ़ी होने लग गई है। रबड़ी अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडी होने पर और भी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए बन गई हमारी इंस्टेंट रबड़ी, 10 मिनट में ही बनकर रेडी हो गई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।